एवरीवन, वेलकम आपका आपके अपने चैनल डीके स्टिचिंग पर। तो आज की जो वीडियो है वो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक बहन ने मुझे कमेंट किया था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सूट की कटिंग बताइए, मेरी जो कुर्ती की फिटिंग है वो अच्छे से नहीं आती है, तो प्लीज आप मेरे मेजरमेंट से कुर्ती की कटिंग बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, उनके ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आज की कुर्ती की कटिंग बताऊंगी और मेजरमेंट जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने डाल दिया है। तो इस मेजरमेंट से हम कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे और बिल्कुल ही आसान तरीका है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगी, तरीका वही रहेगा, आपका जो भी मेजरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो ये देखिए, ये मैंने कपड़ा ले लिया है, फोर फोल्ड में हमने कपड़ा लेना है कुर्ती के लिए। ये देखिए इस तरीके से दो पड़त ये है हमारी, दो पड़त ये है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे। तो कपड़े की जो चौड़ाई होती है वो हमने लेनी होती है, हिप साइज हमारा होता है, तो हिप साइज का फोर्थ भाग हम लेंगे और उसमें 1.5 इंच करेंगे मार्जिन प्लस, ठीक है। तो आपने जो हिप साइज बताया है वो 35 इंच है, तो 35 इंच का फोर्थ भाग हमारा होता है 1.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से 1.5 इंच आ गया और अब इसमें हम 1.5 इंच कर लेंगे मार्जिन, ठीक है। तो ये इतना ही कपड़ा हमें चाहिए कुर्ती के लिए। ये देखिए 1.5 इंच है हमारा, 1.5 इंच है, तो आप 11 इंच तक ले सकते हैं इसमें। तो 11 11 इंच हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आप कहेंगे कि ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा ये वेस्ट जाएगा, तो मेरी जो कुर्ती का मेजरमेंट है वो थोड़ा सा हैवी है तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बिछाया हुआ है। तो ये मार्किंग जो मैं बता रही हूँ ये आपको आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग समझा रही हूँ, ठीक है, कि आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरीके से मार्किंग कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी। तो अब देखिए, जितना आपका मेजरमेंट है चेस्ट के हिसाब से आपने कितना तीरा लेना है, कितना आर्म होल लेना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप डीप नेक रख रहे हैं तो आपने तीरा कम करना है, और अगर आप नेक कम रखेंगे छोटा रखेंगे तो फिर आप तीरा जो है बढ़ा कर रखेंगे। तो मैं ये डीप नेक के लिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं है डीप रखेंगे या आप छोटा नेक रखेंगे, तो आपको डीप नेक के हिसाब से मैं बता रही हूँ क्योंकि आजकल ज़्यादा डीप नेक ही पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले कपड़े को यहाँ से भी इक्वल कर लेंगे और अब यहां से हम लेंगे तीरा। तो तीरा हम यहां पे ले लेंगे 6 इंच, ठीक है, डीप नेक के लिए और आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बता रही हूं 6 इंच तीरा। और 7 इंच हम लेंगे आर्म होल, ये सीधा कर देंगे बिल्कुल और यहां से मिला देंगे, और यहां से अब करेंगे 1/2 इंच डाउन। यहां से ये 2.5 इंच हम नेक रखेंगे इस तरीके से। तो जो ये यहां से डाउन करते हैं, जो नेक की हमारी ये चौड़ाई होती है यहां तक, इसको हमने डाउन करना है, इसको इस तरीके से नहीं करना है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। कई बार क्या है बिगनर्स जो है ये इस तरीके से इसको कर देते हैं, तो ये ऐसे नहीं करना है, हमने यहां पर नहीं मिलाना है, जो ये हमने नेक की मार्किंग की है यहां तक इसको डाउन करना है इस तरीके से, ठीक है। अब उसके बाद हम लगाएंगे चेस्ट का मार्क। तो चेस्ट है हमारी यहाँ पे 34 इंच, 34 इंच का हमारा फोर्थ भाग आएगा 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पे यहां पे मार्क कर देंगे, ये हमारा चेस्ट हो गया। और अब हम देंगे अब आर्म होल की सेप हम देंगे यहां पर, ये देखिए 2 इंच पर इस तरीके से, और फ्रंट के लिए बिल्कुल 1/2 इंच रखेंगे हम इस तरह से, ठीक है।
अब जो सेफ आप देते हो उसमें भी आपको होती होगी कन्फ्यूजन, तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो लाइन है इसका हमने हाफ कर लेना है, यहाँ पे आता है हमारा 3.5 पे। अब यहाँ से हम जो बैक आर्म होल है उसकी गोलाई देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये बैक आर्म होल की गोलाई हो गई। फ्रंट की अब यहां से देंगे हम ये इस तरीके से। ये फ्रंट की आ गई, थोड़ा सा इसको अंदर रखना है हमने, जो ये लाइन स्ट्रेट होती है यहां से, और ये हमारी गोलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां पे इंच टेप रखेंगे, देखिए यहां पर रखा है हमने, शोल्डर पे नहीं रखा है, यहां से रखेंगे और 7 इंच हम यहाँ पे कमर के लिए मार्क करेंगे। हिप साइज आपने कितना रखना है, किसी को ऊपर ज्यादा पसंद होते हैं, किसी को नीचे चाक पसंद होते हैं, तो वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और जो आपने हाइट बताई है उसके अकॉर्डिंग आपका जो हिप का है ये चाक हम खुले रखेंगे, तो ये 14.5 या 15 इंच पर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे ये निशान लगा लेती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पर कमर की जो फिटिंग है उसका मार्क लगाना है। कमर है हमारी 28 इंच, तो 28 इंच का चौथा हिस्सा हमारा यहाँ पे आ गया 7 इंच। तो अब यहाँ पे 7 इंच पे हम ये मार्क लगा देंगे। और हिप साइज है हमारा यहाँ पे 35 35 का चौथा हिस्सा है हमारा यहाँ पे 9.25 इंच, ये यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहां से ये इस तरीके से कर देंगे इसको। अब ये कमर का निशान है, ये हमारी चेस्ट का निशान है। ठीक है, अब इनको हमने मिलाना है। तो ये देखिए ये सेफ पट्टी है मेरे पास, अगर आपके पास सेफ पट्टी नहीं है तो आप वैसे भी इसको मिला सकते हैं। तो अब हमने ये देखिए इस तरीके से जो ये निशान है इसको यहां से और यहां पे मिलाना है, तो सेफ पट्टी को इस तरीके से रख लेंगे। ठीक है, अब यहां पर इस साइड हमने ये देखिए यहां से सेफ पट्टी को इस तरीके से रखा था, और अब जो चेस्ट का मार्क लगाएंगे वहां पे हमने इस तरीके से नहीं रखना है, यहां पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए। तो अब देखिए यहां पर अगर आप यहाँ पे प्लेट नहीं डाल रहे हैं, फिर आपको बता रही हूं, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट थी 9.25 इंच, तो अब यहाँ पे 2.5 या 3 इंच पे हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि अपर चेस्ट जो होती है हमारी यहीं पे होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हमारी जो है चेस्ट यहाँ पे से कम हो रही है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे इस तरीके से 9.25 इंच पर ये निशान लगाना है, ये इस तरह से। ठीक है, और इस निशान को बिल्कुल सीधा हम करेंगे और यहां से अब इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, अब ये इस तरीके से थोड़ा सा कर्व देके यहां पे और फिर मिला देंगे, तो हमारी जो चेस्ट है यहां से प्रेस नहीं होगी, बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी और परफेक्ट आपकी फिटिंग आ जाएगी यहां पे। ठीक है, अगर आप प्लेट भी डालना चाहते हैं तो प्लेट की भी मार्किंग मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो यहां से देखिए शोल्डर से हमने इंच टेप रखना है और आप यहाँ पे 11 इंच पे आप निशान लगाइए एक, और यहां से आप लगाइए 3.25 इंच पर। ठीक है, लेंथ आप यहाँ पे रखेंगे 6.5 इंच और वो 3.25 यहां से फोल्डेड साइड से, ये हमारी हो गई प्लेट। अब इसको इस तरीके से मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसका जो सेंटर है ये देखिए बिल्कुल जो हमारी कमर है वहां पे आएगा,
ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, और यहां पे हम इस तरीके से सेव देंगे। प्लेट को, ठीक है। तो अब देखिए फिटिंग में हमारा थोड़ा सा चेंज आएगा अगर आप प्लेट डाल रहे हैं तो, क्योंकि यहां पे जो ये प्लेट आएंगी दोनों साइड, एक मतलब कि फ्रंट साइड दो प्लेट होती है और बैक साइड भी दो प्लेट होती है, हमारा 1 इंच के आसपास कपड़ा प्लेट के अंदर जाता है, तो दो प्लेट हमारी होती है, तो उसके लिए फिर हमने यहां से 1 इंच इसको यहां पर बढ़ाना है। एक प्लेट में हमारा 1 इंच कपड़ा जाता है, तो दो प्लेट फ्रंट साइड होती है, दो बैक साइड होती है, तो टोटल हमारा जो है कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने लेना है 2 इंच। तो ये कपड़ा है हमारा डबल फोल्ड में, तो यहां से हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। जो कपड़ा हमारा यहाँ कवर होगा वो कपड़ा हमने यहां से बढ़ा के रखना है 1 इंच कपड़ा, और फिर ये फिटिंग हमारी इस तरीके से आएगी, इस तरह से, ठीक है। अगर आप प्लेट डाल लेंगे कुर्ती में तो आपकी फिटिंग तो आएगी आएगी अच्छी, अगर आप प्लेट नहीं डाल रहे हैं तो मैंने जो पहले मार्किंग बताई है आपको उस तरीके से करना है। अगर प्लेट डाल रहे हैं फिर आपकी फिटिंग जो है ये वाली आएगी, और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट फिर आपकी जो है यहां से चेस्ट आ जाएगी। यहां से 1 इंच बढ़ाने के बाद ये देखिए मार्क हमारा बिल्कुल यहां पे सीधा आ रहा है ना। और जो यहां से फिर ये हमारी चाप की फोल्डिंग के लिए ये मार्जिन हमारा हो जाएगा, इसको भी हम सीधा कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, यहां से करेंगे, ये देखिए किनारी जो है कपड़े की इसको निकाल देंगे, यहां से कटिंग करेंगे और यहां से इस तरीके से, और बैक आर्म होल पे हमने कटिंग करनी है, गलती से फ्रंट पे नहीं करनी है, बैक आर्म होल पे यहां से कटिंग करेंगे और यहां से बिल्कुल सीधी हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। कटिंग करने के बाद फिर हमारा यहाँ पे जो मार्जिन है ये हमारा 1.5 इंच मार्जिन में लिया था तो ज्यादा ही है, तो यहाँ पे ये आप 1.5 इंच इस तरीके से मार्जिन पे भी कटिंग कर सकते हो, इस तरीके से यहां से भी कटिंग कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर प्लेट आप वाली कुर्ती बना रहे हैं तो आप यहां से जो है सेफ में कपड़े को कटिंग मत कीजिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए कटिंग, और प्लेट डालने के बाद फिटिंग आप करते हैं, फिटिंग करने के बाद फिर आप जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आपकी कुर्ती आएगी। मुझे उम्मीद है बहन को समझ में आया होगा उनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप इस तरीके से कटिंग कीजिए अपनी कुर्ती की। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।